कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस लगातार सड़कों पर है। पूरे देश में कांग्रेसी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेसियों का कहना है अगर जरूरत पड़ी जेल जाने की तो हम जेल भी जाएंगे। रीवा के सिरमौर चौराहे पे कांग्रेसियों ने आज एक धरना दिया, यहां पर राजीव गांधी की प्रतिमा के पास। पिछले गुजरात की एक अदालत ने राहुल गांधी को एक मामले में दोषी करार दिया था, जिसके चलते उनको 2 साल की गई थी। 2 साल की सजा के बाद संसद में उनकी सदस्यता खत्म करने की बातचीत हुई। हम आपको बता दें, किसी भी संसद सदस्य को अगर 2 साल या उससे ज़्यादा की सजा मिलती है तो उसकी सदस्यता समाप्त करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है, जिसके चलते राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त की गई। उसके बाद से ही राहुल गांधी के लिए कांग्रेस पूरी तरीके से सड़कों पर उतर आई है। पूरे देश में इन दिनों कांग्रेसी सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन आंदोलन की बात कर रहे हैं। फिलहाल पूरे देश के साथ रीवा में भी आज सिरमौर चौराहे में राजीव गांधी की प्रतिमा के पास कांग्रेसियों ने धरना दिया। तमाम कांग्रेसी जिले भर के सारे बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहे। कांग्रेस पूरी तरीके से एक नज़र आ रही थी। वक्ताओं ने साफ तौर से कहा, हम ये अपना अभियान तब तक जारी रखेंगे जब तक राहुल गांधी की सदस्यता बहाल नहीं होती। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम जेल भी जाएंगे, उसके लिए भी हम पूरी तरीके से तैयार हैं। धरना प्रदर्शन को लेकर हमने कांग्रेस पार्टी के प्रताप भानु शर्मा, पूर्व सांसद विदिशा जो रीवा संभाग के कांग्रेस के प्रभारी हैं, से बातचीत की। सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। आज जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण और शहर और कांग्रेस के सभी वरिष्ठ जन सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। राहुल गांधी के खिलाफ जो असंवैधानिक काम किया है, जो षड्यंत्र पूर्वक दबाव में एक अदालत की आग में फैसला करवा कर उनकी सदस्यता को समाप्त किया, उसकी हम पुरजोर भर्सना करते हैं। और पूरे देश में आज आक्रोश व्याप्त है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग सड़कों पर है, गांव-गांव में रोष है इस बात का। और हम ये बता देना चाहते हैं कि देश संविधान से चलेगा। इंडियन पेनल कोड में अंतर्गत बहानाबाजी करके कार्रवाई करके झूठे मुकदमे बनाकर आप किसी को परेशान नहीं कर सकते। और राहुल गांधी ने जनता जनार्दन की आवाज को संसद में बुलंद किया है, सड़कों पर बुलंद किया है और पद यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर तक बुलंद किया है। और संसद में तुम उनकी आवाज को दबाना चाहते हो। अडानी के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा, सिर्फ राहुल गांधी ने 5 सवाल मोदी से पूछे थे। कौन सा रिश्ता है आपका मोदी से, आपका आडवाणी अडानी से, और अडानी को हर विदेश यात्रा में साथ लेकर क्यों गए, अडानी के साथ कितने समझौते किए, आपके दौरे के बाद अडानी ने विदेशी कंपनियों से कितने समझौते, कितने करोड़ रुपए कमाए, अडानी की कंपनियों को रक्षा कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया, और इसके अलावा 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया एक कंपनी में, फर्जी कंपनियों में, वो किसका है, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं, अडानी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं, इस आवाज को बुलंद करने के खिलाफ के बदले की कार्रवाई से उन्होंने काम किया है। हम सब लोग सड़क पर देंगे और जब तक संघर्ष करेंगे तब तक उनकी संस्था लोकसभा की बहाल नहीं हो जाती या ये कोर्ट का परवर्टेड आदेश कुछ सही हो जाता।